हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड चैप्टर 3 कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ। दिस चैप्टर कवर्स हाउ कैन वी यूज़ अ कंप्यूटर, प्लेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज, मींस अपने कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर सकते हो और कौन सी जगहों पे कंप्यूटर का यूज़ होता है, ये सारे इस चैप्टर के अंदर पॉइंट्स क्या कवर होंगे। तो कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर क्या एक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। इलेक्ट्रिसिटी आप समझते बेटा, जो बिजली आती है अपने घरों में, जैसे अपने टीवी चलाते हैं, फैंस लाइट्स उसको आप बोलते हो, तो वो किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलते हैं। तो कंप्यूटर भी किस पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिसिटी पे। इट वर्क्स इन डिफरेंट वे, इट स्टोर्स एंड प्रोसेस डाटा विद हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। कंप्यूटर बेटा अलग अलग तरीके से काम करता है, ये डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसके एक्यूरेसी क्या होता है बच्चे, राइट काम करना, कभी भी ये गलत काम नहीं करता। जो आप इसको इंस्ट्रक्शन देते हो ये उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। हाउ कैन वी यूज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी प्ले गेम्स एंड लिसन म्यूजिक ऑन अ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पे गेम प्ले कर सकते हैं, उस पर म्यूजिक सुन सकते हैं। वी आल्सो वॉच मूवीज़ ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर पे हम क्या कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। वी टाइप एंड स्टोर लेटर्स एंड पैराग्राफ्स ऑन कंप्यूटर, आप क्या कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो कंप्यूटर पे, कोई भी लेटर पैराग्राफ कुछ भी जो भी आपको टाइप करना है उसको स्टोर करके रखना है। स्टोर मीन्स कि आप सेव करके रख सकते हो कंप्यूटर के ऊपर। वी स्टोर नेम्स एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स एक्सेट्रा इन द एड्रेस बुक ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की एड्रेस बुक में आप क्या कर सकते हो, नेम एड्रेस और उसकी जो कॉन्टैक्ट नंबर है किसी का भी आप उसको क्या सेव करके रख सकते हो एड्रेस बुक में। नेक्स्ट है द बिल्ट इन डिक्शनरी इन कंप्यूटर हेल्प अस टू इंक्रीज अवर वर्ड पावर, इट हेल्प अस इन चेकिंग इन अवर स्पेलिंग एंड ग्रामर। बच्चे जैसे अपने पास डिक्शनरी होती है आपकी हार्ड कॉपी, आप उसमें से क्या करते हो, स्पेलिंग देखते हो, उसका मीनिंग देखते हो, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर क्या है, एक डिक्शनरी होती है, बिल्ट इन डिक्शनरी कंप्यूटर की, जो आपकी वर्ड पावर को इंक्रीज़ करती है। आपको कोई भी स्पेलिंग देखनी है, आपकी ग्रामर की कोई भी मिस्टेक आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। वी मेक कलरफुल पिक्चर बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पेंट, आप पेंट में जाके क्या है कलरफुल पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी आप ड्राइंग कर सकते हो। वी कैलकुलेट द सम्स ऑन कंप्यूटर विद इन अ फ्यू सेकंड्स, आप बच्चे कंप्यूटर की हेल्प से मैथ्स की कैलकुलेशन है जो बहुत टफ कैलकुलेशन होती है जिसको करने में बहुत टाइम लगता है, आप वो भी कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट है प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज, वो जगह जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है वो कौन कौन सी जगह है अपने आसपास। बेटा बहुत सी ऐसी जगह हैं जैसे कि स्कूल में, कॉलेजेस में, बैंक्स में, मार्केट में, शॉप्स में, मॉल्स में आप कंप्यूटर का देखते हो यूज़ होता है। तो वो कौन कौन से पार्ट है जो अपने चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट है स्कूल, कंप्यूटर एक्ट एज अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कंप्यूटर एक क्या है, टीचिंग और लर्निंग मटेरियल, आप इसे सीख सकते हो बहुत कुछ। टीचर यूज़ कंप्यूटर फॉर मेकिंग टाइम टेबल्स, टीचर इसको कैसे यूज़ करते हैं, टाइम टेबल बनाने के लिए, रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, कोई भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बेटा आप अपने फ़ोन से भी सर्च कर सकते हो, जैसे गूगल में वैसे सेम आप क्या कर सकते हो कंप्यूटर में भी आप क्या करते हो सर्च कर सकते हो कोई भी टॉपिक, आप इसको स्कूल की लाइब्रेरी में भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है शॉप्स एंड होटल्स, कंप्यूटर आर यूज़ फॉर मेकिंग बिल्स, कंप्यूटर आप कहाँ पर यूज़ करते हो, बिल्स बनाने के लिए, आप होटल्स में जाते हो, जो भी आपने खाया उसका आपको बिल बनाना है, कुछ भी आप कहीं पे गए घूमने गए जहाँ पे भी आप रहे ठहरे होटल्स में, आप उसकी बिलिंग क्या कर सकते हो कंप्यूटर की हेल्प से बिल बना सकते हो। कोई भी आपने मार्केट जाते हो आप शॉपिंग करते हो, कोई भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया उसका जो स्टॉक उसको मेंटेन किया रखना उसका जो रिकॉर्ड है वो अपनी किसकी हेल्प से रख सकते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से। नेक्स्ट है कंप्यूटर हॉस्पिटल्स, कंप्यूटर हेल्प इन डायग्नोसिंग पेशेंट्स डिजीज, मेकिंग बिल्स एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स एंड मेडिसिन, इट आल्सो हेल्प डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर। बच्चे आप क्या कर सकते हो कंप्यूटर की हेल्प से जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, डायग्नोसिस क्या होता है किसी भी प्रॉब्लम का पता लगाना, आप पेशेंट को कोई भी दिक्कत आप डायग्नोसिस करते हो, जैसे कि जो एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ये सारे किसकी हेल्प से होते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से होते हैं, तो डॉक्टर्स इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी बिल बनाना है, कोई भी मेडिसिन है, कोई भी चीज़ों का रिपोर्ट मेंटेन करके रखना है तब इसमें करते हो आप कंप्यूटर में मेंटेन करते हो। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशंस, कंप्यूटर आर यूज फॉर बुकिंग टिकट्स एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ अ ट्रेन्स। रेलवे स्टेशन पे बेटा कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी कितने बजे जाएगी आपको उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो कंप्यूटर्स की हेल्प से। नेक्स्ट है बैंक्स, कंप्यूटर आर यूज टू मेंटेन द अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन ऑफ द कस्टमर्स इन द बैंक। आप क्या कर सकते हो जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो बैंक में या विदड्रॉ करवाते हो, मीन्स अब जो डिपॉजिट करवाया या अपने निकलवाया है जमा करवाना, वो सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो कौन मेंटेन करते हैं, कंप्यूटर्स मेंटेन करके रखते हैं, आप उसको फ्यूचर में दोबारा कभी भी यूज़ कर सकते हो देखने के लिए। नेक्स्ट है एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट जब आपको कहीं भी जाना है आप उसकी जो टिकट्स करवाते हो बाय एयर जाने के लिए, उसकी जो सिक्योरिटी होती है वो सारा कुछ, जब कोई भी एरोप्लेन जब जो टेक ऑफ करता है या जो लैंडिंग करता है उस टाइम भी क्या कंप्यूटर उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ऑफिसेस, कंप्यूटर आर यूज टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ सैलरीज एम्प्लॉयज एंड अकाउंट्स, बट इसको कंप्यूटर को ऑफिसेज में भी यूज़ किया जाता है, जो वहाँ पे वर्कर वर्क करते हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनकी सैलरी क्या है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनका क्या रिकॉर्ड है, सारा वो कौन मेंटेन करता है, कंप्यूटर। नेक्स्ट है होम, सबसे बेसिक, आप अपने घर में कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो इंटरटेनमेंट के लिए,
कोई भी होमवर्क करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए मंथली आपके क्या खर्चे हैं सारा कुछ मेंटेन करने के लिए। और एक आप शॉपिंग भी कर सकते हो, जिसको आप क्या बोलते हो ऑनलाइन शॉपिंग, जब घर से बैठे हुए शॉपिंग करते हो उसको क्या बोलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। नेक्स्ट है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग मीन्स क्या, मौसम का हाल जानने के लिए मौसम कैसा रहेगा। कंप्यूटर सोलबिन वेदर फोरकास्टिंग मतलब आप इसमें देख सकते हो कि मौसम आने वाली बारिश या मौसम कैसा रहेगा, गर्मी या सर्दी, इसके बारे में आपकी कौन हेल्प करता है कंप्यूटर्स। फन एंड इंटरटेनमेंट, जो मूवीज़ एनिमेशन मूवीज़ आप जो भी सॉन्ग्स वीडियोज़ देखते हो वो आप कहाँ पर देखते हो कंप्यूटर में। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डिवेलपमेंट, बेटा साइंटिस्ट कंप्यूटर को यूज़ करते हैं बहुत बड़ी कैलकुलेशंस करने के लिए। रोबोट्स यूज़ किए जाते हैं, तो रोबोट्स के अंदर फंक्शनिंग होती है वो सारी कंप्यूटर से कंट्रोल की जाती है। आप इसको रिसर्च के लिए डिफेंस और स्पेस में यूज़ कर सकते हो। तो बच्चे अलग अलग फील्ड्स हैं जहाँ पे आप कंप्यूटर का यूज़ करते हो। नेक्स्ट है पब्लिशिंग एंड डिज़ाइनिंग, बुक्स जो पब्लिश होती हैं या जो न्यूज़पेपर बेटा टाइप होते हैं, जो मैगजीन्स आती हैं, जो आपकी बच्चों की स्टोरी बुक्स आती हैं, वो आप इसकी हेल्प से टाइप करते हो कंप्यूटर की हेल्प से। तो इतना ही है बच्चे आपका चैप्टर, कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ होता है अपनी सोसाइटी में, अपने कहाँ पे कंप्यूटर को यूज़ करते हैं वो अपन ने रीड किए हैं पॉइंट्स। तो इसको रीड करना, इसका जो बुक वर्क है वो सॉल्व करके मुझे सेंड करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।